इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने लाइट का इंट्रोडक्शन देखा था फिगर वाइज अब हम लोग शुरू कर रहे हैं इसका नोट्स आपका लाइट चैप्टर का नाम है क्लास सेवन और चैप्टर फिफ्टीन है आइए हाँ हम लोग इसको समझते हैं पॉइंट नंबर वन देखते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स फ्रॉम कम्स और फ्रॉम विच इट इज ए रिफ्लेक्टेड लाइट क्या है आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम लोग को देखने में मदद करता है जैसे रिफ्लेक्ट होके लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है वहां से रिफ्लेक्ट होके आता है उसी को हम लोग को देखने में मदद करता है अगला पॉइंट द ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट और देयर ओन वह ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट निकलता है और वह अपना लाइट होता है उसको हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं एग्जाम्पल सन लैंप एंड कैंडल सन लैंप और कैंडल आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट हुआ अगला पॉइंट पॉइंट नंबर थ्री देखते हैं द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट और देअर ऑफ देयर ओन और ऑब्जेक्ट वह अपने आप से लाइट नहीं निकलता है उसको नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं चेयर है टेबल है आपका विंड है ई या आपका नॉन लुमिनस लाइट है अगला पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर फोर देखते हैं लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड दिस प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज कॉल रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और आपका इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इसका प्रॉपर्टी का जो लाइट होता है रेक्टिलिनियर ऑफ लाइट बोलते हैं लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में हमको ट्रेवल करता है ये बात को ध्यान दीजिए हम लोग फिगर में देखे थे टेढ़ा मेढ़ा एक दिखाया था पाइप वहां से आपको लाइट ट्रेवल नहीं करता है रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा सी रोशनी आ सकता है लेकिन स्ट्रेट लाइन में आपका लाइट ट्रेवल करता है हमेशा ये आपका फिगर भी इधर से लाइट कीजिएगा तो आपका इधर से ट्रेवल करके नहीं जाएगा यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा अगला पॉइंट पॉइंट नंबर देखते हैं लाइट फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट सेंड द लाइट बैक जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है मान लीजिए दीवार ही है तो उस पर अगर लाइट पड़ता है तो वह लाइट को रिफ्लेक्ट करके वापस भेजता है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द रेज ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं जैसे दीवार पे गया और फिर वापस लौट कर आया लाइट को जो हम लोग को दिखाई देता है उस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं लाइट का परिवर्तन बोलते हैं रिफ्लेक्ट करता है अगला पॉइंट पॉइंट नंबर सिक्स देखते हैं द रेज ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे जो लाइट का रेज फॉल गिरता है उसको हम लोग इंसिडेंट रेज बोलते हैं जैसे में ये एक ऑब्जेक्ट है यहां से आपका लाइट गिरा तो इस रेज को हम लोग इंसिडेंट रेज बोलते हैं इसको इंसिडेंट रेज बोलते हैं एंड द लाइट एंड द रेज ऑफ लाइट विच इज सेंड जैसे मैं फिर सेंड बैक हुआ इस ऑब्जेक्ट से तो उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं ये आपका दो तो पॉइंट हो गया एक बार फिर देख लीजिए ये यहां से लाइट गया इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे और यहां से ये रिफ्लेक्ट किया तो इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे ये सिंपल सा एक फंडा है अगला पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर सेवन ये हाईली पॉलिश सरफेस सरफेसिज ए स्मूथ इनाफ टू रिफ्लेक्ट ए गुड फ्रैक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड मिरर। जैसे में मिरर है मिरर पे अगर पॉलिश ऐसे किया हुआ है तो वह ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है कोई भी एक है ऑब्जेक्ट उसको पॉलिश किया हुआ है और लाइट उस पर पड़ता है तो रिफ्रैक्शन बहुत अच्छा होता है उसी लिए हम लोग उसको मिरर बोलते हैं पॉलिश किया हुआ अगला पॉइंट एट देखते हैं एन ऑप्टिकल अपरेंस अगला पॉइंट देखते हैं द इमेज विच कैन बी फॉर्म और ऑप्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज स्क्रीन पर जो रियल बनता है उसको हम लोग रियल इमेज बन कहते हैं द इमेज विच कैन नॉट ऑबेन ऑन द स्क्रीन उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं जो इमेज पे स्क्रीन uh, पे इमेज नहीं बनता उसको वर्चुअल बोलते हैं द इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर इज ए इरेक्ट वर्चुअल एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो आपका मिरर पे प्लेन मिरर पे जो ऑब्जेक्ट इमेज uh, बनता है वह इरेक्ट होता है वर्चुअल होता है और उसी साइज का आपका इमेज बनेगा जिस साइज का ऑब्जेक्ट है दोज मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल और कर्व आर कल स्फेरिकल मिरर अब हम लोग देखते हैं मिरर कितने प्रकार के होते हैं स्फेरिकल मिरर देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स कनकेव मिरर होता है और कन्वेक्स मिरर होता है व्हेन द रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज ए कर्व अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर कर्व होता है तो आपको क्या बोलते हैं कनकेव मिरर होता है जैसे कि ये फिगर में बताया गया है ये आपका कनकेव मिरर हो जाएगा क्योंकि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कर्व इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अंदर में कर्व है और एक कनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल और इन्वर्टेड इमेज और यह कनकेव मिरर हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है वेन दैन एड द ऑब्जेक्ट इज ए प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर जैसे मिरर के नज़दीक में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज क्या होता है जैसे मिरर के नज़दीक इमेज ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज जो बनता है वर्चुअल बनता है और इरेक्ट खड़ा बनता है और बहुत बड़ा बनता है मैग्नीफाइड बनता है अब हम लोग देखते हैं कन्वेक्स मीटर के बारे में वेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एस्फेरिकल मिरर इज ए कर्व आउटवर्ड अगर ये कर्व जो है आउटवर्ड की तरफ है दिस इज ए अ कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स मिरर फॉर्म इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉलर साइज आपको कन्वेक्स मिरर जो मिरर इमेज बनाता है वर्चुअल बनाता है स्मॉलर बनाता है साइज में ऑब्जेक्ट से और लेंस लेंस पीस ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट मटेरियल विथ कर्व साइड है अगला पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर नाइनटीन ए लेंस दैट इज थिकर इन द मिडिल वह लेंस जो आपको मिडिल में थीकर रहता है थीनर एट द एज इज कॉल कन्विक्स लेंस जैसे में मिडिल में आकर चिकर रहेगा इस तरह का ये इसको हम लोग कन्विक्स लेंस बोलते हैं ये लेंस को, एक आप लोग देख लीजिए, ये आपका ऐसे और ऐसे हो गया ये साइड में क्या होगा, गया थिनर हो गया और बीच में आ आपको चौड़ा है थिकर हो गया तो इसको हम लोग कन्वेक्स लेंस बोलते हैं इट इज़ ए नॉन एज मैग्नीफाइंग ग्लैंस इसको मैग्नीफाइंग ग्लास ग्लास भी जानते हैं कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल इन्वर्टेड इमेज और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है फेन द ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस वेरी क्लोज टू द लेंस अगर लेंस के नज़दीक ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट बनता है मैग्नीफाइड बनता है ए लेंस दैट इज ए थीनर वह लेंस जो थिनर इन द मिडिल जैसे में अगला पॉइंट देखते हैं हमको आपको मिडिल में क्या होगा थिनर बनेगा, देखिए ये फिगर बना रहे हैं, ये ये इस तरह रहता है लेंस। ये, मिडिल, मिडिल पोर्शन आपका थिनर रहता है ये और एज में क्या होगा थिकर रहता है थिकर एट द एज उसको हम लोग कनकेव लेंस बोलते हैं ये कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉल इमेज दैन द ऑब्जेक्ट और यह जो कन्केव लेंस होता है हमेशा आपको इरेक्ट इमेज बनाता है वर्चुअल और साइज में स्माल बनाता है ऑब्जेक्ट से वेन वाइट व्हाइट लाइट इज ए कम्पोज ऑफ सेवन कलर वाइट लाइट जो होता है जैसे फ्रिज में हम लोग देखते हैं ये फ्रिज में हुआ व्हाइट लाइट इधर गया तो ये आपको कंपोज करता है आपको सेवन कलर में इस तरह से आपको सेवन कलर में कंपोज होता है और वह सेवन कलर कौन सा होता है ऊपर में रेड होता है ऑरेंज होता है येलो रहता है ग्रीन रहता है ब्लू रहता है इंडिगो और वायलेट रहता है जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं भीव क्योर भीव क्योर बोलते हैं तो आज के लिए इतना ही अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट देंगे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे एम सी क्यू क्वेश्चन इसका देखेंगे ये आपका सॉल्यूशन देखेंगे एनसीआरटी का जो सॉल्यूशन है ये तो आपका समरी का है आउटलाइन का है अब हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे उसके बाद इसके आधार पर एम सी क्यू क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टूलर ये आपका लोगों के साथ है लाइक करें शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी इस टॉपिक से और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो इस कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे तो आज के लिए इतना ही आप सबको थैंक यू